हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ का 7 मई का ईवीएस का चैप्टर करेंगे, जो कि सेकंड हमारा चैप्टर है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, यानी कि जब परिवार मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिट्टूज फैमिली इज वन सच फैमिली। बहुत से फैमिलीज एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। बिट्टू की फैमिली उन फैमिलीज में से एक है। बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन अ विलेज, इट डिड एग्रीकल्चर। बिट्टूज फैमिली फेस स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 ईयर्स कंटिन्यूसली। बिट्टू की फैमिली विलेज में रहती थी, वो एग्रीकल्चर करते थे, और बिट्टू की फैमिली ने लगातार 3 साल भुखमरी सही, क्योंकि वहाँ पे फेमाइन अकाल आ गया, फसल अच्छे से नहीं हुई। दस बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज अलॉन्ग विद हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू। तो बिट्टू जो था वो अपने कजन्स के घर पे चला गया, वहाँ चला गया विलेज में, और अपना साथ में जो उनके पशु थे वो भी लेकर चला गया। देयर ही गॉट अ हाउस ऑन रेंट एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क। वहाँ पर उसने किराए पर एक घर लिया और कुछ काम की तलाश शुरू की। आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क। कुछ समय बाद उसे काम मिल गया। सो ही लिव्ड देयर ओनली अलॉन्ग विद हिज फैमिली। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर। वो वहीं पे रहने लगा, लेकिन वहाँ रहना आसान नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही केम टू नो दैट दिस टाइम हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन। और अपने विलेज उसको याद आता था, इसलिए कुछ महीने बाद उसने सुना कि उसके विलेज में इस बार अच्छी वर्षा हुई है। ओ व्हाट देन, ही केम बैक टू हिज विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल। और फिर क्या हुआ, वो अपने विलेज वापस आ गया अपना फैमिली और पशु लेकर। समीर, who had a small family including his wife, a son and a daughter, worked in a village on daily wages. His son was studying in class 12th and daughter in class 9th. Sumir ki ek choti si family hai jisme uska ek beta hai, ek beti hai aur ek wife hai. Uska beta 12th class mein padhta hai aur uski beti 9th mein. To wo daily wages pe kaam karne wala ek mazdoor hai. When his son passed his board examination, he had to send him from his village to get higher education. He thought he would have to stay there alone for studies and it would be more costly. उसने सोचा कि वो उसका बेटा अगर बाहर अकेला रहेगा तो बहुत खर्च आएगा। After 3 years he will have to send his daughter to out of village for higher education. उसको लगा कि 3 साल बाद उसे अपनी बेटी को भी भेजना ही पड़ेगा। Hence he decided that because in village he is working as a laborer on daily basis, as in city too he will do the same. So he will get shifted there with his family. उसने सोचा कि क्यों ना मैं सिटी में शिफ्ट हो जाऊँ, जैसे यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ वहाँ भी कर लूँगा। When he went there, he faced difficulty in getting house on rent. जब वो वहाँ गया उसे वहाँ किराए का घर मिलने में बहुत मुश्किल हुई। Due to high rent, he had to take a room on rent in the city. तो उसने सिर्फ एक कमरा ही किराए पर ले पाया सिटी में। His family had to live, sleep and cook in the same room. उसकी फैमिली को वहीं खाना पकाना पड़ता था, वहीं सोना पड़ता था और सब कुछ वहीं होता था। His neighborhood were also new for him. He had to put more efforts to meet his daily needs also. उसका पड़ोस भी उसके लिए नया था और उसको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी अपना रोज़मर्रा का जीवन चलाने के लिए। City being costly, he worked in a day as a laborer and as a security guard in the night. City, क्योंकि वहाँ की चीज़ें महंगी होती थी, इसीलिए वो एक दिन में तो मजदूरी करता था और रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। He decided to go back to his village at the completion of his children. तो उसने ये decide किया कि वो वापस गांव चला जाएगा जब उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. They live in a hostel or get a room on rent for their studies at other place. आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से बच्चे अपने घर छोड़कर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं या फिर एक कमरा रेंट पर ले लेते हैं ताकि वो पढ़ सकें। Did you know? Sometimes families have to move out of their native country for educational, occupational or various other reasons. No matter where they roam, they always know that they have home to go back to, their family home. कुछ families जो हैं उन्हें अपनी country से भी बाहर जाना पड़ता है। कई बार तो educational reason होता है, कई बार उन्हें अपने business की वजह से जाना पड़ता है, कई बार कोई और कारण भी होते हैं। वो कहीं भी जाएं लेकिन उनके पास एक पीछे छोड़ा हुआ घर हमेशा होता है जो वो छोड़ कर गए होते हैं। तो ये बताया गया कि मूवमेंट करना एक जगह से दूसरी जगह आसान काम नहीं है, दूसरी जगह जाके सेटल होना बहुत मुश्किल काम है। तो आज हम इस चैप्टर को इतना ही रीड करेंगे। आप भी इसे अच्छे से अपनी बुक में रीड कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।